हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग जब ड्राइविंग लाइसेंस का पेमेंट फी पेमेंट करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को एक एरर मैसेज शो हो रहा होगा। वहां पर आप लोगों को लिखता है, आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेमेंट मोड थ्रू द सिलेक्टेड गेटवे फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड वॉल्यूम वेलोसिटी चेक। तो इसका क्या मतलब है, ये प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको पूरी तरह से देखिए एंड आप लोगों को पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, उसके बाद आप लोग अपने पेमेंट को करने जाइएगा। आपका पेमेंट सक्सेसफुल ही होगा, एकदम 100% सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप में क्रोम ओपन कर देना है। ठीक है, क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें क्रोम को ओपन करना है। वहाँ पर आपको लिखना है सारथी। सारथी लिखने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने पर पहला वेबसाइट जो आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री एफ रोड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के सेक्शन में, क्योंकि हमको जो रिलेटेड क्यूरी है वो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपका नेक्स्ट पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको केवल पेमेंट ही करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे लास्ट वाले सेक्शन में जाना है, फी पेमेंट। फी पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे लिखा है फी पेमेंट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सिलेक्ट एप्लीकेशन फी, यहाँ पर आपको इसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड पर आपको क्लिक करने एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू कैलकुलेट फी पर क्लिक कर देना है। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, गेटवे चूज करना है, आपको एसबीआई पेमेंट चूज करने के बाद बगल में कैप्चा फिल हो रहा होगा, कैप्चा को आपको फिल कर देना है एंड पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा यहाँ पे दिखा देगा, आपको एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आइएगा SBI ePay पर। तो यहाँ पर आपको कार्ड से पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आपको हम बता दें कि कार्ड से भी पेमेंट नहीं करना है और ना ही इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना है। जब आपका ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, UPI से पेमेंट करना है, भीम UPI से। आपको यहाँ पे UPI ID डालकर या फिर UPI का QR कोड से आपको पेमेंट करना है। आपका पेमेंट 100% सक्सेस हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको UPI ID से या भीम UPI QR से पेमेंट करना है। ठीक है, तो UPI ID आपको वहाँ पे डालना है अपना और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको 5 मिनट 31 सेकंड दिया जाएगा और इसमें आपको जो UPI ID आपने डाला है उस मोबाइल पर आपका नोटिफिकेशन गया होगा। आप उस पर जा करके पेमेंट को सक्सेस कीजिए, यानी पेमेंट कीजिए वहां से। उसके बाद आपका यहां पे पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आपको ये प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो आप ऐसे पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, एकदम कन्फर्म सक्सेस हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर सक्सेस हुआ है, आप लोग पूरा सक्सेस हो जाएगा आप लोगों का पेमेंट। अब आप लोग इसका पेमेंट रिसिप्ट कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ से आप प्रिंट रिसिप्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर टू प्रिंट रिसिप्ट, नीचे जो आपको लिखा हुआ है, या फिर आपको ई पेमेंट पर जाना है और फिर वेरीफाई पे स्टेटस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है। और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है नेक्स्ट, और उसके बाद कैप्चा डालना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपका वेरीफाई 100% हो जाएगा। वेरीफाई नहीं हो रहा है, आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, हम उसके बारे में क्यूरी करेंगे आप लोगों के साथ। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसके बारे में हम सोल्यूशन आप लोगों को निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और आप लोग कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा। और